मोहतरम मौलाना, सबसे पहले मैं अमेरिका और कनाडा के मुसलमानों और मुस्लिम किसान एसोसिएशन की जानिब से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया और हमारे सालाना इज्तिमा के लिए ये खसूस इंटरव्यू देना पसंद फरमाया। ये अल्लाह ताला की इनायत और मेहरबानी है कि शुमाली अमरीका में तहरीक इस्लामी की फ़िक्र और खसूसन आपकी और अख़वान मुस्लिमों के रहनुमाओं की तहरीरात की बिना पर तेज़ी के साथ इस्लामी असरात फैल रहे हैं। आपने नाहज़ तबा के बावजूद जो वक्त हमें देना पसंद फरमाया है, हम उसके लिए आपके बेइंतहा मशकूर हैं। अमरीका में बेशुमार हजरात महज आपकी एक झलक और आपके चंद कलमा सुनने के लिए मुंतज़िर हैं। उन हजरात की ख्वाहिशात पर हमने चंद सवालात मुरत्तब किए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस सिलसिले में हमें रहनुमाई फरमाएंगे। कुरान करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई अल्लाह करार देता है। सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आप एक दाई की कौन सी अहम खसूसियात करार फरमाएंगे? अमेरिका में और कनाडा में जो अल्लाह के बंदे तहरीक-ए- इस्लामी के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से सलाम पहुंचा दीजिए। मैं ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकता, इसलिए मुख्तसर तौर पर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कुरान करीम में एक आयत है जिसमें एक दाई की अहम खसूसियात को बयान किया गया है, और वो ये है कि मन अहसन कौलम मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहम व काल इन्नी मिनल मुस्लिमीन, यानी उस शख्स से अच्छी बात और किस शख्स की होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया, नेक अमल किया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ। इस इरशाद की पूरी अहमियत महसूस करने के लिए निगाह में ये बात रखनी ज़रूरी है कि जिन हालात में ये बात कही गई है वो मक्का मुअज़्ज़मा के हालात हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरवों पर इंतहाई शदीद मज़ालिम किए जा रहे थे और वहाँ ये कहना कोई आसान काम नहीं था कि आदमी खड़े होकर साफ साफ ये ऐलान करे कि मैं मुसलमान हूँ। ये बात कहने के मानी ये थे कि गोया आदमी दरिंदों को दावत दे रहा है कि मेरे ऊपर हमलावर हो जाओ। इस बात को पेश नज़र रख कर देखिए, पहली बात ये फरमाई कि बेहतरीन कौल उस शख्स का है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। दूसरे अल्फाज में एक दाई हक की खसूसियत यह है कि उसकी दावत अल्लाह की तरफ हो, कोई दुनियावी गर्ज उसके पेश नज़र न हो, ना कौमी ना वतनी ना ख़ानदानी ना किसी किस्म की मादी गर्ज, कोई दूसरी गरज उसके पेश नज़र ना हो, खालिस अल्लाह की दावत की तरफ दावत दे। और अल्लाह की तरफ दावत देने का मतलब सीधा साधा ये है, अगर आदमी कुरान मजीद पर निगाह रखे कि अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत दी जाए, इस बात की तरफ लोगों को दावत दी जाए कि किसी की बंदगी, किसी की इबादत, किसी की परस्तिश खुदा के सिवा न की जाए, किसी से खौफ और तमा खुदा के सिवा न रखा जाए और खुदा ही के अहकाम और उसके फरामीन की इताअत की जाए,
उसी की रजामंदी, उसी की खुशनूदी हासिल करने के लिए तमाम कोशिश की जाएँ। और आदमी दुनिया में जो काम भी करे वो ये समझते हुए करे कि मैं किसी का बंदा हूँ और उसके सामने मुझको जाकर जवाबदेही करनी। खुदा की तरफ दावत देने का मुख्तसर मफहूम ये है जो कुरान से मालूम होता है, और कुरान में दाई का की अव्वलीन खसूसियत ये बयान की गई है कि उसकी दावत खालिस अल्लाह की बंदगी की तरफ हो, खालिस अल्लाह की परस्तिश और उसकी इबादत की तरफ हो, खालिस उसकी इताअत की तरफ हो और उसके कानून की पैरवी की तरफ हो। दूसरी बात जो इसमें फरमाई गई है वो ये है कि वह आमिला सालिहान, नेक अमल करें। इसका ज़रा सा भी आदमी गौर करे तो इसका मफहूम साफ उसकी समझ में आ जाएगा कि अल्लाह की तरफ दावत देने वाले का अपना अमल अगर दुरुस्त ना हो तो फिर उसकी दावत का कोई असर नहीं हो सकता। जिस चीज़ की तरफ वो दावत दे रहा है उसका मुजस्मा होना चाहिए उस दाई को, उसकी अपनी ज़िंदगी में खुदा की नाफरमानी का कोई असर ना पाया जाए, उसके अखलाक ऐसे होने चाहिए कि कोई शख्स उसके दामन पर एक धब्बा ना दिखा सके, उसके गिर्दो पेश का माहौल, उसका मुआशरा, उसके दोस्त अजीज अकारीब सब जानते हों कि ये हमारे अंदर नहायत बुलंद और पाकीज़ा कैरेक्टर का इंसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी इस बात की शहादत देती है कि अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए खड़े होने से पहले 40 साल तक वो मुआशरा जिसमें आप रहे उसमें कोई एक फ़र्द भी ऐसा न था कि जो आपकी बुलंदी अखलाक का कायल न हो, आपकी ताहिर और पाकीज़ा ज़िंदगी का कायल न हो। इस हद तक लोग कायल थे कि जो आपसे करीब तरीन थे, जिनसे आपकी ज़िंदगी का कोई पहलू छुप नहीं सकता था, वो इतने आपके मोतकिद थे कि जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले उन्होंने इक़रार किया। हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा 15 साल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में थी, और कोई कम सिन औरत नहीं थी बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 वर्ष बड़ी थी। इसके मानी ये हैं कि जिस वक्त आपने नबूवत का दावा किया है उस वक्त उनकी उम्र 55 साल थी, और 40 साल की उम्र से वह आपकी तौजीयत में थी। एक ऐसी पुख्ता सिन रसीदा दानिशमंद औरत जो बीवी की हैसियत से अपने शौहर के साथ 15 साल रही हो, उससे शौहर का कोई ऐब छुप ही नहीं सकता। दुनियावी अगराज के लिए एक बीवी अपने शौहर के साथ तमाम उसके नाजायज़ कामों में शरीक हो सकती है, लेकिन उस पर ईमान नहीं डाल सकती। तो पाया आदमी है कि ये खुदा का रसूल हो सकता है और होना चाहिए, तो वो आपकी इस हद तक मुतकिद थी नबूवत से पहले कि जब आपने नबूवत का माजरा उनके सामने पेश किया तो उन्होंने एक लम्हे का तामुल किए बग़ैर उसको तस्लीम किया। इसी तरह दूसरे शख्स सैयदना ज़ैद बिन हारिसा थे जो ग़ुलाम की हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आए थे नबूवत से 15 बरस पहले, और उनकी उम्र उस वक्त 15 साल की थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मुकर्रर हुए हैं उस वक्त वो 30 साल की उम्र के थे। इसके मानी ये हैं कि 15 साल उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहकर हर पहलू से आपकी ज़िंदगी को देखने का मौका मिला था, और वो इतने आपके मोतकिद थे कि जब उसके वालिदैन को, उनके चचा और उनके बाप को पता चला कि हमारा बेटा फलां जगह ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो वो मक्का मुअज़्ज़मा आए हुज़ूर की नबूवत से पहले
और उन्होंने आकर आपसे कहा कि आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप हमारे इस बेटे को छोड़ दें। आपने फरमाया कि मैं लड़के को बुला लेता हूँ, अगर वो आपके साथ जाना चाहे तो मैं आपके हवाले कर दूंगा, अगर वो मेरे साथ रहना चाहे तो मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि जो मेरे साथ रहना चाहे उसे अपने से ज़बरदस्ती अलग करूँ। उन्होंने कहा कि आपने बहुत इंसाफ की बात फरमाई, आप लड़के को बुला लीजिए। जब हजरत जैद आए उनके सामने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि इन लोगों को पहचानते हो? उन्होंने कहा ये मेरे बाप हैं और ये मेरे चचा हैं। आपने फरमाया कि ये तुम्हें ले जाना चाहते हैं, तुम चाहो तो बड़ी खुशी से इनके साथ जा सकते हो। उसके बाप और चचा ने भी यही कहा कि हम तुम्हें ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने इस शख्स में ऐसी खूबियां देखी हैं कि मैं इसको छोड़कर अपने बाप और चचा और माँ तक के पास नहीं जाना चाहता। ये नबूवत से कबल आपके अखलाक की हालत थी जो आपके खादिम ने आपकी के मुतालिक ज़ाहिर। और जब हुजूर ने नबूवत का दावा किया, नबी की हैसियत से अपने आप को पेश किया, तो हज़रत खदीजा के बाद घर के लोगों में से हज़रत ज़ैद बिन हारिसा भी वो थे कि जिन्होंने सबसे पहले आपकी नबूवत को तस्लीम किया। एक खादिम एहसान बंद हो सकता है, एक खादिम वफादार हो सकता है, लेकिन एक खादिम इतना मुतासिर नहीं होता अपने मखदूम से कि उस पर ईमान ले आए। ईमान लाने के लिए ज़रूरत उसने आपके अखलाक को इतना बुलंद और पाकीज़ा देखा हो कि वो उसको ये मानने में ज़रा तामुल ना हो कि मेरा मखदूम जो है ये नबी। और ये पेश नज़र रखिए कि ज़ैद बिन हारिसा किसी मामूली काबिलियत के आदमी नहीं थे। मदीना तैयबा में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत कायम हुई तो बकसरत फौजी मुहिमात जो आपने भेजी हैं उनके सालार लश्कर ज़ैद बिन हारिसा थे। इस काबिलियत के आदमी थे वो, जो बाद में ज़ाहिर हुई। तीसरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो नबूवत से कबल 20 साल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे। उनकी नशिस्त व बर्खास्त आपके पास थी और मक्का मुअज़्ज़मा में सबसे ज़्यादा जिन दो आदमियों की दोस्ती थी उनमें से एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर थे। दोस्त कभी वो एक अपने दोस्त को पसंद कर सकता है, उसकी बातों से इत्तेफाक कर सकता है, लेकिन इतना मोतकिद तो नहीं हो सकता कि वो इसको मान ले कि ये नबी है। ये तो उसी वक्त हो सकता था जबकि आपके अखलाक की इंतहाई पाकिजगी और बुलंदी के वो कायल हो। उनका बिला तामुल मान लेना ये मानी रखता है कि 20 साल की मुद्दत में खूब अच्छी तरह देख कर वो इस बात के कायल हो गए थे कि इतने बुलंद पाया अखलाक का आदमी है कि ये नबी हो सकता है, इसको नबी होना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका नाम पहले मैंने इसलिए नहीं लिया कि उस वक्त वो 10 साल के थे, लेकिन 10 साल का बच्चा भी जिसके पास रहता हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ही में उन्होंने परवरिश पाई थी, तो 10 साल का बच्चा भी जिसके पास रहता हो उसकी उसके ऐब व सवाब से वो अच्छी तरह वाकिफ होता है। उस दिन इतना ज़हीन आदमी जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने नबूवत में हज़रत अली से खुसूसियात ज़ाहिर हुई, वो इतने ज़हीन थे कि हम कह सकते हैं कि उनका इस बात को मान लेना कि आप नबी हैं ये इसके बगैर नहीं हो सकता था कि वो भी आपके इंतहाई बुलंद पाकीज़ा अख़लाक़ के कायल हो। इसलिए अमीरा सालेहन का मतलब यह है कि आदमी जिस चीज़ को पेश कर रहा है लोगों के सामने उसकी अपनी ज़िंदगी उसके ठीक मुताबिक हो, और वो इतने पाकीज़ा किरदार और अखलाक का आदमी हो कि जब वो अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाने उठे तो उसकी बात में वजन हो, उसकी बात में असर हो,
اور لوگ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ واقعی اپنے قول میں سچا ہے، قطع نظر اس کے کہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ تو ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ آدمی اپنے قول میں سچا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس بنا پر کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا قائل ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل، اس نے ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، ہم تم کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ جو پیغام تم لائے اس کو جھوٹا کہتے ہیں. یعنی آپ کا بدترین دشمن بھی آپ کی صداقت کا قائل تھا. تو دائی کی دوسری بڑی خصوصیت یہ. تیسری خصوصیت، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ مکہ معظمہ کے اس ماحول میں کسی شخص کا اٹھ کر کہنا کہ میں مسلمان ہوں معمولی بات نہیں تھی. تو اللہ کی طرف دعوت دے، پاکیزہ عمل رکھنے والا ہو، اور بدترین دشمنوں کے ماحول کے درمیان بھی وہ اپنے مسلمان ہونے سے انکار نہ کرے، اپنے مسلمان ہونے کو چھپائے نہیں، اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرنے سے نہ شرمائے نہ جھجکے نہ ڈرے، بلکہ کھلم کھلا اٹھ کر کہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، جو کچھ جس کا جی چاہے کر لیں. دوسرے الفاظ میں اس کے معنی یہ ہیں کہ دائی میں تیسری بڑی اہم خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نہایت جری آدمی، نہایت بہادر آدمی، بزدل آدمی کا کام خدا کے راستے کی طرف دعوت دینا نہیں ہے. ذات ہی چوٹ لگے اور جب بلبلے کی طرح بیٹھ جائے وہ آدمی خدا کے راستے کی طرف دعوت نہیں دے سکتا. خدا کے راستے کی طرف دعوت جو شخص دے سکتا ہے وہ ہے جو سخت سے سخت دشمنی کے ماحول میں، مخالفت کے ماحول میں، خطرات کے ماحول میں اسلام کا عالم لے کر اٹھ جائے اور کوئی پرواہ نہ کرے کہ نتائج کیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اس شجاعت کا مکمل نمونہ ہے. مکہ معظمہ میں کھلم کھلا آپ نے دعوت اسلام پیش کی، ان لوگوں کے درمیان پیش کی جو آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، جنہوں نے کوئی کسر اٹھا رکھی آپ کو ظلم کا نشانہ بنانے میں اور آپ کے ساتھیوں کو ظلم کا نشانہ، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اپنی دعوت کو چھوڑنا قبول نہیں کیا، بلکہ مسلسل 13 سال تک اس ماحول میں اپنی دعوت پیش کرتے چلے گئے اور ہر قسم کی سختیاں مصیبتیں برداشت کرتے چلے گئے. مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جو حالات پیش آئے، بڑے بڑی خطرناک لڑائیوں میں جہاں کے بعض اوقات صرف تنہا آپ رہ گئے تھے یا 2-3 آدمی آپ کے ساتھ، اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ غزوہ حنین کے موقع پر جبکہ مسلمانوں کو تقریباً شکست ہو گئی تھی اور لوگ بھاگے چلے جا رہے تھے، اس وقت یہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر رہے، نہیں بلکہ برابر آگے بڑھتے چلے دشمنوں کی طرف، اور اس بات کو چھپایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں. فرمایا کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں. یا دوسرے الفاظ میں آپ نے عین حالت جنگ میں، اس وقت جبکہ آپ بالکل 2-3 آدمیوں کے ساتھ تنہا رہ گئے تھے اور دشمنوں کے نرغے میں تھے، اس وقت بھی علل اعلان یہ کہا کہ ہاں میں نبی ہوں. تو اتنا شجاع اور بہادر ہونا چاہیے اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو. اگر کسی شخص کے اندر ہمت اور جرات اور بہادری موجود نہ ہو تو اس راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. کھڑا ہوگا بھی تو اپنی بزدلی کی وجہ سے الٹا اس مشن کو نقصان پہنچا دے گا. بس یہ چند مختصر باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اگر ان پر غور کی جائے تو یہ بجائے خود دعوت اللہ کے متعلق ایک مکمل پروگرام ہے، اور اس کے اوپر جہاں بھی دعوت کا کام کیا جائے یہ 3 خصوصیات آدمی کے اندر ہونی چاہیے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں آپ کا بھی انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے طبیعت کی ناسازگی کے باوجود ہمیں چند لمحات عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. امریکہ کینیڈا کے تمام حضرات تسبہ دعا ہیں کہ آپ الفاظ اسلامی کو اس ملک میں بھی اور تحریک اسلامی کو دیگر ممالک میں کام ہوتے ہوئے دیکھیں. آمین. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور کچھ ذخیرہ بارک اللہ.